हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ रांची से। आज हम लोग बात करेंगे एक और वेब सीरीज की जो कि रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पे। इस वेब सीरीज में आपको दो सीजन देखने को मिल जाएंगे, तीसरा सीजन इसी साल रिलीज होने वाला है। और ये सीरीज को रिकमेंड किया था मेरे एक सब्सक्राइबर ने, तो मैं उनके लिए और पर्सनली आप लोगों के लिए कि आप लोग घर पे बैठे तो कुछ ना कुछ सीरीज आप लोग देखना चाहोगे तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। मैं आपको स्टार्ट में बता रहा हूँ। खैर, आपको इस सीरीज की कहानी के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि ये सीरीज एक डैनिश पोस्ट एपोकलिप्टिक वेब सीरीज है जो कि आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगी। इस वेब सीरीज की अगर एपिसोड्स की बात करो तो सीजन वन और सीजन टू को मिला के तकरीबन आपको 14 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड में लगभग 48 मिनट से लेकर 35 मिनट के बीच में ये कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती सिमोन से, जो कि हमें कॉलेज में नजर आती है। तभी उसके डैड उसकी तरफ भागते हुए आते हैं, उसको बोलते हैं कि बारिश होने वाली है और किसी भी हाल में हमको एक सेफ जगह पे पहुंचना पड़ेगा। तो सिमोन को कुछ समझ में आता उस वक्त और उसके डैड के साथ बाहर निकल जाती है। तभी हमको पता चलता है कि सिमोन की मॉम और उसका छोटा भाई इरास्मस ऑलरेडी कार में मौजूद है और वो चारों कार में बैठ के एक सेफ जोन की तरफ निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट भी होता है। एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उसके डैड रुकते नहीं, वो उन लोगों को लेकर यानी कि उनकी फैमिली को लेकर फिर से सेफ जोन की तरफ भागते हैं। तभी हमको पता चलता है सिमोन के डैड कोई साइंटिस्ट है और वो अपोलन नाम की एक कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं और वही कॉर्पोरेशन ने उन लोगों के लिए सेफ बंकर बना के रखी, यानी कि जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों की फैमिली लोगों के लिए एक सेफ बंकर बना के रखी जहां पर उनको खुद ही अनाज उगाना है, खुद ही खाना है और कुछ साल तक वहीं पर रहना है। खैर, वो अपनी फैमिली को बंकर में डाल देते और उनको बोलते कि मैं कुछ ही देर में बाहर से वापस आ जाऊंगा और वो ऐसा कहकर बंकर से चले जाते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब सिमोन की माँ को किसी वजह से बंकर से बाहर जाना पड़ता है और उसकी वही बारिश की वजह से मौत हो जाती है। उसके बाद तकरीबन 6 साल हो जाते हैं। इन 6 सालों में सिमोन और इरास्मस दोनों बंकर में रहते। सिमोन अब बड़ी हो चुकी और इरास्मस की बात करो तो वो छोटा बच्चा था लेकिन अब वो एक टीनेजर बन चुका है। अब उसके बाद आपको पूरी सीरीज में यही देखना है कि उसके आगे लोग क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज मुझे कैसे लगी। तो ये सीरीज कुछ लोगों का कहना था कि बस उसको फर्स्ट एपिसोड पसंद नहीं आया, कुछ लोगों का कहना था कि आगे के एपिसोड बहुत अच्छे, लेकिन मैं उन लोगों से इतना बता दूं कि ये सीरीज स्टार्ट से लेकर एंड तक मुझे पर्सनली अच्छी लगी। सीजन वन की बात करूं या सीजन टू की बात करूं, दोनों ही सीजन मुझे बहुत अच्छे लगे। सीजन वन की कहानी जो है वो सीजन टू में कंटिन्यू होती, तो इस वजह से मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आप कहीं से भी बोर नहीं होगे। और मेन कैरेक्टर वो यही है, एक तो सिमोन है, दूसरे इरास्मस है और इरास्मस से रिलेटेड बहुत सी चीजें आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगी जो कि आपको शॉक कर सकती है। और यहां पर जो वायरस के बारे में बताते वो वायरस बहुत ही डिफरेंट है और ये एक ऐसा वायरस कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से ये सीरीज बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से चीजें बताई, जैसे कि जब सिमोन उस बंकर में जाती है तो वो एक छोटी लड़की होती है लेकिन जब वो बाहर निकलती तो वो एक माँ बन जाती, क्योंकि छोटे भाई को संभाला है, उसको एक माँ की तरह उसकी हिफाजत की है, तो इससे उसकी माँ बन गई। और जो बच्चा इरास्मस जब बंकर में गया था वो काफी छोटा था लेकिन जब वो बाहर निकलता 6 साल के बाद तो वो एक टीनेजर बन जाता था। उसकी सोच काफी उस बच्चे वाली थी क्योंकि वो 6 साल तक उसी बंकर में रहा था और बाहरी दुनिया के बारे में उसको कुछ भी नहीं मालूम था। और सिमोन को भी ये लगता था कि बाहरी दुनिया में कोई बच्चा है भी या नहीं और उसके डैड अभी तक वापस क्यों नहीं, इतने साल हो गए। तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सिमोन और इरास्मस हमें पूरी सीरीज में नजर आता है। उसके बाद इन लोगों के साथ क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स था वो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया। तो मेरे हिसाब से कुल मिला के ये सीरीज को आप डेफिनेटली देखना, ये आपको नेटफ्लिक्स से मिल जाएगी लेकिन अफसोस ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इंग्लिश में और विद सबटाइटल मिल जाएगी। तो आप जरूर देखना, आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो ये सीरीज बहुत अच्छी लगी और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ इसका सीजन 3 का। तो बस यार, इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना। आपसे कल किसी नए वीडियो में दुआ में याद रखना।